यूपी पीसीएसजे संकट पर बादल मंडरा रहे हैं उस एग्जाम पर भी, और इसका कारण यह है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। यहां पर सिर्फ आरोप नहीं है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने खुद मान लिया है कि पीसीएसजे की परीक्षा में बड़ी लापरवाही हुई है। 50 कैंडिडेट की कॉपियां बदली गई थी, ये खुलासा हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ है और उससे जांच के दौरान यह मान भी लिया है। आज इस केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में यह कहा था कि जिन कैंडिडेट्स की कॉपी बदल गई थी उनका अब क्या होगा, जो उनकी जगह चुने गए हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनका क्या होगा। इस बड़े केस से कुछ पॉइंट्स आपको समझा देता हूं। यूपी लोक सेवा आयोग के चेयरमैन ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में बंद लिफाफे में एक हलफनामा दिया। हलफनामे में कोर्ट को बताया गया कि जिन कैंडिडेट्स की कॉपियां आयोग ने गलती से बदली हैं उनके बारे में क्या कदम उठाया जाएगा। यूपी पीसीएस की हलफनामे में यह बात बताई गई है कि अगर ट्रेनिंग कर चुके कैंडिडेट्स बाहर होते हैं तो उनका क्या होगा, लेकिन अदालत यूपी पीएससी के हलफनामे से संतुष्ट नहीं है। हाईकोर्ट ने यूपी पीएससी को दोबारा हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। अब इस मामले में 12 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। यह सारा किस्सा श्रवण कुमार पांडे की तरफ से कोर्ट में दायर किए गए एक केस के बाद खुला है। क्या है श्रवण कुमार पांडे का पूरा केस, अब वो भी आपको दिखाएंगे। पीसीएस जे एक बड़ी परीक्षा होती है, पहले इसके बारे में सुन लीजिए। इस परीक्षा का क्या नाता होता है, किससे नाता होता है? परीक्षा क्लियर करने वाले लोग जज बनते हैं। इसमें सफलता का रेट केवल 0.6% है। इस परीक्षा में जब पास कर जाते हैं और जस्टिस बन जाते हैं तो उसके बाद कोर्ट में बैठकर इंसाफ देते हैं, लेकिन अजीब तब लगता है जब न्यायाधीश की परीक्षा ही अन्याय का शिकार हो जाए। अब आपको बताता हूं कि पीसीएस जे परीक्षा में 50 कैंडिडेट की कॉपी बदलने वाला खुलासा हुआ कैसे। इसके लिए पटियाल आपको श्रवण पांडे से मिलवाएगा। इस पूरे खुलासे के सूत्रधार श्रवण पांडे ही हैं। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। श्रवण पांडे उत्तराखंड हाईकोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस करते हैं। साल 2022 का पीसीएसजे श्रवण पांडे ने भी दिया था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो श्रवण को यकीन ही नहीं हुआ। दरअसल जिन 302 कैंडिडेट्स का चयन पीसीएसजे में हुआ उनमें श्रवण का नाम नहीं था। श्रवण अपने मार्क्स को लेकर सेटिस्फाइड नहीं थे, इसीलिए श्रवण ने आयोग के खिलाफ लड़ाई लड़ने का फैसला किया। इसकी मार्कशीट नवम्बर में निकली थी और मैं अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं था, तो मैंने आरटीआई फाइल करी थी। और आरटीआई फाइल करी तो मैं इंस्पेक्शन के लिए गया यूपीपीएससी इलाहाबाद, तो वहाँ पे मैंने देखा कि मेरी इंग्लिश की कॉपी बदली हुई थी, मेरी हैंडराइटिंग नहीं थी जो वहाँ कॉपी रखी हुई थी, और हिंदी पेपर के कुछ कॉपीज के पेपर जो थे वो कटे हुए थे। तो मैंने वहाँ लेटर लिखा चेयरमैन को भी सेक्रेटरी को भी, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैंने इसके चलते ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट डाली और अपने एडवोकेट के थ्रू, जिनका नाम विभू राय है। और इसमें 3 हियरिंग हो चुकी हैं। पहली हियरिंग में कोर्ट ने यूपीपीएससी को ऑर्डर दिया था कि वो मेरी कॉपीज प्रोड्यूस करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद श्रवण की कॉपी तो आयोग ने नहीं दिखाई, लेकिन 3019 कैंडिडेट्स जिनका चयन मेंस में हुआ था, उन चयनित कैंडिडेट्स की 18,042 कॉपियां जांचने का फैसला आयोग ने जरूर किया। 7 जून को उनको मेरी कॉपीज प्रोड्यूस करनी थी, बट 7 जून को यूपीपीएससी ने कहा कि हमने एक इंटरनल इंक्वायरी कमेटी बिठाई है क्यों, और हम 18,000 की 18,000 कॉपीज चेक करेंगे, क्योंकि एक गलती है, कॉपीज एक्सचेंज हुई हो सकती है गलती से, तो हम एक बार पूरा अच्छे से देखेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने 3,000 के जितने मेंस दिया था, जितने लोगों ने, उन 3,000 के 3,000 लोगों को बुला के अपनी कॉपीज इंस्पेक्ट करने का मौका दिया है, जो कि 30 जुलाई तक दिया है। और इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी जिसमें इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि 25 पेपर्स में अदला बदली हुई है, माने कि 2 बंडल हैं जिसमें 25-25 का एक बंडल था जिसके पेपर इधर उधर हुए हैं। इन्होंने इसको गलती का नाम दिया है, बट मुझे ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूरी उम्मीद है कि वो इस मैटर की जड़ तक जाएंगे। यूपी लोक सेवा आयोग ने अपनी शुरुआती इंटरनल जांच में माना कि इंग्लिश के पेपर की 25-25 कॉपियों के 2 बंडल बनाए गए थे, जिस वजह से उन कॉपियों पर गलत कोडिंग हो गई। सबसे बड़ा सवाल ये कि जिन 50 कैंडिडेट्स की कॉपियां बदली गई हैं, उनके रिजल्ट का क्या होगा? क्या पीसीएसजे का पूरा रिजल्ट रद्द किया जाएगा? आदेश में उल्लिखित किया है वो यह कहा है कि
क्योंकि यह मामला बहुत गंभीर प्रकरण का है, अतः जो कल एफिडेविट था डिप्टी सेक्रेटरी का वह पूर्णतया उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। कहा कि इसमें चेयरमैन से नीचे के किसी अधिकारी का एफिडेविट ना फाइल किया जाए। दूसरा ये बताया जाए कि आयोग ने जब ये कहा कि रिड्रॉ किया जाना है तो वो ये बताए कि किस और कैसे तरीके से वो उन 50 अभ्यर्थियों का सारा निस्तारीकरण करेंगे, मतलब उनका रिजल्ट रिड्रॉ करेंगे, किसको बाहर करना है, किसको अंदर करना है, रिजल्ट कैसा इफेक्ट करेगा, वो सारी चीजें अगली तारीख पे आयोग के अपने पर्सनल हलफनामे द्वारा कोर्ट को सूचित करें। तो आयोग ने अपने हलफनामे में खैर ये बात कही दी है कि उनका भी ये सोचना है कि अगर ये सारी डिस्क्रिपेंसीज इस स्तर पे जाती हैं तो वो सारा रिजल्ट रिड्रॉ ही करेंगे। कोर्ट के आदेश के बाद यूपी लोक सेवा आयोग पीसीएस जे मेंस में चयनित सभी 3019 कैंडिडेट को कॉपियां दिखा रहा है। कॉपी दिखाने के लिए आयोग ने रोज 5 घंटे का समय तय किया है। 20 जून से शुरू हुआ कॉपी दिखाने का सिलसिला 30 जुलाई तक चलेगा। आधे घंटे तक अपनी कॉपी चेक कर कैंडिडेट्स आपत्ति दाखिल कर सकेंगे। मामले की अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को। यूपी में मथुरा की संगीता चौधरी ने भी 2022 में पीसीएस जुडिशरी का एग्जाम दिया था, लेकिन संगीता का चयन भी नहीं हुआ था। संगीता भी अपनी कॉपी चेक कराना चाहती है। संगीता का मानना यह है कि लॉ में उसके अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन पीसीएस जुडिशरी के चयन ना होने की फिर क्या खास वजह होगी। इसीलिए संगीता को भी लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। हमारे संवाददाता मोइन खान ने संगीता से बात की, आप भी सुनिए। जी सर, मेरा जो था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मुझे इंग्लिश में सबसे कम मार्क्स मिले थे सर, तो उसको लेके कहीं ना कहीं उस टाइम पे जब रिजल्ट रिलीज हुआ था तो मेरे माइंड में था कि शायद हो सकता है कुछ गड़बड़ हुई हो। भी तो 50 कॉपियों के लिए आयोग ने माना कि कोडिंग सही नहीं हुई थी, जिस वजह से वो लोग जो डिफेंड करने के लिए रीजन दे रहे हैं कि उसकी वजह से जो है गड़बड़ी हुई है। लेकिन अभी तो 3000 बच्चों की कॉपियां बाकी है चेक होने के लिए, जो एग्जामिन करेंगे और पता चलेगा। तो सर हाँ, लेकिन ये है अभी इंग्लिश की ही आ रही है सामने निकल के कि उसी में गड़बड़ी हुई है। और आपका भी उसी में? जी जी, मुझे भी उसी में सर, कि मेरा भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जो मार्क्स मुझे मिले हैं वो एक्सपेक्टेड नहीं थे सर, बहुत कम मार्क्स मिले थे, तो अभी मुझे यही लग रहा है। संसद में राहुल गांधी ने हिंदुओं पर बयान दिया था तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आग बबूला हो गए थे, जबकि सीएम साहब को पीसीएस जुडिशरी जैसी परीक्षा में हो रही गड़बड़ी पर आग बबूला होना चाहिए। अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने चाहिए, उनके घरों को ध्वस्त करना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या पीसीएस जे परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलवाएंगे? क्योंकि युवाओं के भविष्य का सवाल बहुत बड़ा है। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए ताकि परीक्षा में गड़बड़ी की बात कोई अधिकारी सपने में भी कभी सोच ना सके।